एक और दो दिन इन को पालो पड़ियो बीच में। अच्छा। जो को सगड़ो तो बगर जड़गो। हाँ। और पत्ता एकदम पूरा तरीका से सूख लगा। जीव तो घणो ही पड़ा है, 400 रुपया किलो मार्केट में नींबू हो रहा है, मैं भी बेचा लेकिन कौन बैठ पाया, बड़ो ठाड़ो दुख रहा की कम रोवा। बाप रे यार नींबू को लगे। क्या आप भी अपने बच्चे के छुपे हुए टैलेंट को तराशना चाहते हैं? अगर हाँ तो नो टेंशन, लोटस वैली CPS स्कूल है ना, जहाँ मिलेंगे डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स, बेस्ट टीचिंग मेथड और टेक्नो फ्रेंडली वातावरण। नर्सरी से 10th तक प्रवेश जारी है। आज ही करवाएं प्रिंस लोटस वैली सीकर में बच्चों का एडमिशन और दें अपने बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम सा, मेरा नाम कोटिले, ते देख रहे हो झलको सीकर। झलको सीकर में थारो घणो घणो स्वागत है। सीकर में आज अपा जानशा नींबू की खेती करवारा किसाना को हाल। ये बात है भाई जी, आपका नींबू में बगर भी कौन दिख रहा और नहीं नींबू लाग रहे पौधा में। अब की बार का है कि जहाँ सर्दी से बचा लिया, लेकिन अनचाने की बात में सर्दी बाद में जहाँ बगर आज दिन हम लाग जाए सगड़े नींबू लाग जाए रहे। हाँ। अब बगर आया थोड़ा सा अपने आप ही झड़का। अब अनचाने की गर्मी आई, इस वजह से जड़े या काई वजह से जड़े, मैं आपको झड़का और आपको लागे होने नींबू ऐसा लेकर बड़े अपने आप ही झड़का। और अब हर बार बगीचा में चौका नींबू लगा, अब की बार लगे को नहीं है। अब की बार को लगे ना, हर बार बढ़िया लगे, बढ़िया फसल है। और अब की बार को लगे अचानक से कोई मतलब बगर झड़को ने बगर बढ़िया बनाए तो नींबू बढ़िया लगे। हाँ, अब की बार भाव भी बहुत बढ़िया है। अब की बार नींबू को लगे घट तो खूब ही है, लेकिन आई बार बढ़िया लगा लेकिन भाव को नहीं मिला। बार भाव बढ़िया लेकिन नींबू को लगे सारा में दुख तो है। ये जी थारा तो बड़ो बगीचो है, ये बगीचा में नींबू क्या को लग गया, ये लाग रहे को नहीं क्यों नींबू को बगीचो या कोई बगीचो है? ओ ये हो के जहाँ शुरू शुरू कमाने बढ़िया पानी वगैरह दवाई ही। हाँ। सब आराम से दे रहा। अच्छा। बगर भी खूब लाग गया। हाँ। भाई बगर भी आएगो। हाँ। मावट को ही मावट भी बढ़िया ही। हाँ। पर एक और दो दिन इन को पालो पड़ियो बीच में। अच्छा। जो को सगड़ो तो बगर जड़गो। हाँ। और पत्ता एकदम पूरा तरीका से सूख लगा, ई वजह से पाला से सारा नींबू जड़ गया या कुछ पेड़ बाकी भी दिया? बीस पाला से कुछ नींबू जिया अपना रहगा, कुछ नींबू आ भाई बच गो वह नींबू। अच्छा। तो फिर भी के बाद में जी की गर्मी पड़ी। अच्छा। होली कन से आपने जी की गर्मी पड़े, आती नहीं पड़े, बड़ी तेज पड़ी गर्मी। अच्छा। भी गर्मी का माने छोटा छोटा नींबू लाग गया। हाँ। छोटा छोटा नींबू लाग भी लगभग झड़े लगा, ओ वजह हुई। हाँ, आई दिक्कत हुई। अच्छा। बगर वगैरह पूरो सगड़ो जड़गो हो गर्मी की वजह से, थोड़ा बहुत बचा तो गर्मी से जड़गा नींबू कहीं लगे। एक तो पड़ा के मायने कोई बगर एडो बो जड़गो, फिर दोबारा ए तैयार हुआ पानी वाणी दियो तो दोबारा तैयार हुआ, फिर आ क्यों गर्म हवा चाली गर्मी पड़ी बच्चा खुच अभी सब और जड़ गया। अच्छा। इस वजह से ये भाव बढ़ गया, पाला और गर्मी की हवा की वजह से बी की वजह से सारी गड़बड़ होगी सबके कोई के कौन लागे जिन्हें तो भाव बढ़ गया। अब बार तो जी नींबू 400 रुपए किलो रखे थाने क्या लाग दे? लाग रही है कि जी बोल रही है मारो, अगर नींबू मारा लगेगा होता तो 400 रुपए किलो में ही बेचता, आज मिले को नहीं बाजार में नींबू ही को नहीं मिला, मैं 400 रुपए किसान आदमी खटा से खर्च करा नींबू का। पहली बारी तो इतना भाव बढ़िया और आपके ही नींबू को लग गया, बड़ो दुखो रही है चीज को। कहीं करा मौसम है प्रकृति है, बाजिया राह के जिया रहना पड़ी यह बात है। कहीं करा जीव तो घणो ही पड़ा है, 400 रुपए किलो मार्केट में नींबू हो रहा है, मैं भी बेचा लेकिन कौन बैठ पाया हिसाब किताब, दोबर बगर में दोबर में नुकसान हो गया झड़ गया, बड़ो ठाडो दुख हो रहा की कम रोवा। तो आज आपा जानिया नींबू की खेती करवारा किसाना को हाल चाल। आम तौर पर इस टाइम पर अपने लोकल एरिया में थोड़ा थोड़ा नींबू आबो शुरू हो जाया करे है, लेकिन अब के किसाना का नींबू लाग गया ही कोनी, इस वजह से नींबू आया ही कोनी मार्केट के अंदर और नींबू का भाव बढ़ गया। धन्यवाद, देखता रहिए झलको सीकर।